सो हे गाइस, विनय दिस साइड, कैसे हैं आप लोग? ये हमारा प्रेपोजिशन है प्लिन टू पैरामाउंट का। तो प्रेपोजिशन का फर्स्ट पार्ट रहेगा ये। टोटल 62 क्वेश्चन है। हम इसमें फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस करेंगे प्रेपोजिशन में, और बाकी के 32 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आपको मालूम है हमारी पूरी प्लेलिस्ट है वर्ब की एक्सरसाइज की, नाउन की एक्सरसाइज की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, सारी एक्सरसाइज मिलेंगी आपको प्लिन टू पैरामाउंट। पूरी बुक सॉल्व करा रहा हूं मैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ही टुक लीव ऑफ 4 डेज। मेरे भाई देखो, उसने कितने दिन के लिए लीव ली? 4 डेज के लिए। देखो इन चीजों के लिए ना, जब भी आपको कोई पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, जब भी मेरे भाई आपको पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, तो ध्यान रखना पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर यूज करते हैं, और जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है तो आप सिंस यूज करते हैं। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब सर ये बात क्या? ये बात ऐसी है जैसे कि सपोज करते हैं मैं आपको बोलूं डैश चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। तो ये चाइल्डहुड कोई ड्यूरेशन नहीं है, ये चाइल्डहुड उस समय, मतलब जब मैं छोटा था तब, चाइल्डहुड की बात हो रही है, ठीक है ना? तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस। अब मैं आपको बोलता डैश 8 डेज, 8 डेज, तो आप बोलोगे सर एक ड्यूरेशन की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे फॉर लगा रहे हैं। अब जैसे मैं बोलता डैश मंडे, तो मुझे पता है मंडे की बात हो रही है कि मंडे से, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए मैं लगाऊंगा सिंस। और यही बोलता था मैं डैश 9 डेज, तो मुझे ये नहीं मालूम मैं 21 डे की बात हो रही है, तो मुझे पता है ड्यूरेशन है तो मैं फॉर लगाऊंगा। वैसे जब भी ड्यूरेशन होता है, जैसे 4 डेज उसे लीव चाहिए थी, उसने लीव ले ली 4 दिन के लिए, तो मेरे भाई ऑफ नहीं आएगा आपका, क्या फॉर, फॉर आना चाहिए। क्लियर है बात? सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन में मेरे भाई है आपका, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। देखो आपको पता होना चाहिए कि लिसन अपने साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, टू, लिसन टू। वैसे अगर आपके कहीं पे वर्ड दिख जाए, देखो यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको वर्ड दिख जाए वर्थ लिसनिंग, तो वर्थ लिसनिंग के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, ये भी ध्यान रखना। लिसन अपने साथ टू लेगा लेगा, तो यहाँ पर देखो चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू, यहाँ पे आना चाहिए टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। नेक्स्ट है ही विल नॉट लिसन, भैया लिसन के बाद तो टू आएगा, तो यहाँ पे एरर है, लिसन टू व्हाट यू से, ये लिसन के बाद टू आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? लिसन के बाद टू आएगा। सरप्राइज्ड के साथ हम एट यूज करेंगे, डिफर और डिफरेंट के साथ हम फ्रॉम यूज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, सारी बात है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए, क्या है? नेक्स्ट है, नोबडी डिनाइज डेट माई आइडियाज आर डिफरेंट। डिफरेंट के साथ देन नहीं आता, डिफरेंट के साथ आता फ्रॉम, डेट माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेन्जमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, ठीक है? देखो इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल जो वर्ड है ना, देखो मैक्सिमम आपको प्रेपोजिशन में फिक्स्ड एरर का ही प्रेपोजिशन मिलेगा, तो आप याद रखना जैसे डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा, सरप्राइज के साथ एट आएगा, लिसन के साथ टू आएगा, वैसे रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या आता है? रिस्पॉन्सिबल के साथ आता है फॉर, फॉर आता है, तो ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? फॉर आएगा यहाँ पर, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट रुकिए, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, शी वॉज इन द कोर्ट यार्ड वेन द बर्गलर्स एंटर्ड इन टू हर हाउस। मेरे भाई एंटर, एंटर का तो खुद का मतलब है अंदर आना, तो इसलिए एंटर के साथ इनटू नहीं आता, इनटू हम यूज करते हैं मोशन के लिए, जब इधर से कोई चीज इधर आए, तो एंटर का मतलब तो अंदर आना है, तो इसलिए एंटर के साथ इनटू नहीं यूज कर सकते, ठीक है? एंटर के साथ इनटू आ सकता है जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कोई अलायंस कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो एंटर के साथ इनटू आ सकता है, तो यहाँ पे एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, करेक्ट है? नेक्स्ट है, आर टीचर इम्फोसाइज ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। इम्फोसाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने पास सीधा ऑब्जेक्ट लेती है, तो ऑब्जेक्ट आएगा सीधा, ऑन नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? वैसे आप ये बात भी ध्यान रखना कि वेट एक वर्ड जो होता है, वेट, वेट के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन फॉर का यूज होता है। देखो बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, तो चीजें को आपको याद करना है, ठीक है? नेक्स्ट है, ऑन द टाइम, यार ऑन का मतलब होता है पर, टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं, सब बोलते हैं ना एट 6 o'clock, एट 8 o'clock, वैसे हम टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं हम? एट, एट द टाइम,
एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, कि भैया किस टाइम पर, सेरेमनी की जब ओपनिंग हो रही थी उस समय पर, सेरेमनी ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर, लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। ठीक है, जब थिएटर की ओपनिंग सेरेमनी थी तो एक बहुत बड़ा क्राउड असेंबल हुआ। आगे मेरी बात समझ में आप लोगों को, नेक्स्ट आ जाइए। व्हाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, व्हाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, अ स्टॉकर अटैक्ड ऑन देम विद अ नाइफ। अटैक्ड, अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने पास सीधा ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ऑन की जरूरत नहीं थी, अटैक के पास सीधा ऑब्जेक्ट चाहिए था, देम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द डिक्लाइन ऑफ हिज फॉरल ऑफ हिज मॉरल वैल्यूज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। भैया डिक्लाइन ऑफ नहीं होता, डिक्लाइन इन होता है, डिक्लाइन है, ठीक है ना। वैसे डील ऑफ भी होता है और डील इन भी होता है। डील इन कब यूज करते हो, डील इन यूज करते हो जब आप कोई ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना। तो डिक्लाइन ऑफ नहीं, डिक्लाइन कम हुआ, डिक्लाइन मतलब कम होना, क्या उसके मॉरल वैल्यूज की बात हो रही है, तो इन आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोबारा फिक्स प्रेपोजिशन का एरर है, इंटरेस्टेड के साथ आप यूज करते हैं विथ। ये सब चीजें मेरे भाई नोट कर लेना, रेस्पॉन्सिबल के साथ फॉर, डिक्लाइन के साथ इन, एंग्री के साथ विद भी आता है, एड भी आता है, इंटरेस्टेड के साथ विद आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सुधा फेल इन द वेल एंड नो बडी ट्राइड टू सेव। सुधा कहाँ गिर गई, वेल में गिर गई, कुएं में गिर गई। भैया जब कोई चीज गिर जाती है ना, नीचे गिरती है, तो उसके साथ उसके लिए आप लगाते हो इनटू, कोई यहां से इधर गिर गया तो आप इनटू लगाते हो। वैसे भी फेल इन का मतलब होता है कोलेप्स हो जाना, टक्कर खा के गिरना, टक्कर नहीं होना यहाँ पे, कोलेप्स हो गया, कोई चीज टूट गई नहीं, वो गिर गई, तो फेल इनटू, जैसे ही थ्रू द वॉटर इनटू, तो इनटू आएगा यहाँ पे, तो फेल की जगह, फेल इन की जगह क्या आएगा, फेल इनटू द वेल। आई प्रेफर कॉफी देन टी, आपको हमेशा पता होना चाहिए, आई हमेशा ध्यान रखिए प्रेफर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आपका टू ही यूज होगा। सिंपल सी बात, क्या यूज होगा, फिक्स प्रेपोजिशन टू ही यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, आई प्रेफर कॉफी देन हटेगा टू आएगा। नेक्स्ट, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क, देखो बिजी, बिजी अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रपोजिशन लेता है विद। वैसी लैंड के लिए आप यूज करते हो, लैंड के साथ ऑन यूज करते हो आप, ये चीज आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक बार क्या होगा। सुरेश इज बिजी इन, नहीं बिजी है वो किसके साथ, वर्क में, बिजी विद हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। ठीक है ना। While crossing the road, an old man was run out by a bus. Run out का मतलब होता है, देखो दो चीजें ध्यान रखना, रन आउट का मतलब होता है किसी चीज की शॉर्टेज हो जाना, रन आउट का मतलब किसी चीज की शॉर्टेज होना, रन डाउन या रन ओवर, रन ओवर का मतलब होता है, रन ओवर का मतलब होता है कुचल दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रोड क्रॉस करते टाइम ओल्ड मैन को गाड़ी ने कुचल दिया, टक्कर मार दी, तो रन आउट की जगह क्या यूज होगा, रन आउट की जगह यूज होगा रन ओवर, रन ओवर यूज होगा। करेक्ट है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है सभी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन वॉटर, कहाँ पे रह सकते हैं, वॉटर में रह सकते हैं, एज वेल एज कहाँ पे रह सकते हैं, लैंड में। तो लैंड के साथ मैंने अभी बता रहे हूँ, यहाँ पे ऑन यूज करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। भैया कैन लिव, लिव है ना, लिव, लिव एक ऐसी प्रपोजिशन है जो दोनों के साथ अलग अलग लेगी। अगर वाटर की बात हो रही है तो वाटर के लिए आप इन लगाओगे, और लैंड की बात हो रही है तो लैंड से पहले आप ऑन लगाओगे। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना, कई बार एरर पूछे जाते हैं। आ जाओ, शी इज, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ, आओ एक नई चीज और सिखाता हूँ। एक होता है ओ डबल एफ ऑफ, इस ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन, अलग होना किसी चीज से। ठीक है, और इस ऑफ का मतलब होता है बिलोंग करना, रिलेशन, रिलेशन। यहाँ पे वो बता रहा है मेरी मदर को क्या पसंद है, कुकिंग, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ, तो ये ऑफ सेपरेशन वाला नहीं, ओ एफ वाला आना चाहिए, ओ एफ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ और आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्या है, आर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। हमारी टीचर क्या नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती किस पे, स्टूडेंट्स पे। हमेशा अच्छे ध्यान रखना मेरे भाई, आर टीचर कैन नॉट कंट्रोल, कंट्रोल भी अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, सीधा इसके साथ ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या आएगा, आर टीचर कैन नॉट कंट्रोल द स्टूडेंट्स, ये करेक्ट होगा, ऑन नहीं आएगा। नेक्स्ट है, द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर
2 आवर्स ड्यूरेशन के लिए हमेशा फॉर यूज कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया हमेशा करते हैं ये, ठीक है। मिस्टर बैकन हैज ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। अफेक्शन के साथ क्या आता है मेरे भाई, अफेक्शन के साथ हमेशा फॉर का यूज होता है। मिस्टर बैकन हैज अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली, लिख लेना ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अफेक्शन के साथ फॉर आता है, एनमिटी, एनमिटी मतलब दुश्मनी, इसके साथ क्या आता है, इसके साथ टू वर्ड्स आता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रेखा हैज अ ग्रेट एनमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड, एनमिटी के साथ क्या आता है, टू वर्ड्स आता है, टू वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, ही थ्रो द बकेट इन टू द रिवर एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वॉटर। क्या होगा, उसने बकेट फेंकी, किसमें फेंकी है, रिवर में फेंकी, तो ही थ्रो द बकेट इन द रिवर। अगर वो खुद कूदता तो हम बोलते हैं इन टू, उसने फेंका कहाँ पे, फेंका रिवर में, फेंका इन द रिवर, ध्यान रखना चीजों को। नेक्स्ट है, देयर अपियर्स टू बी वेरी लिटिल आउटस्टैंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू ब्रदर्स। भैया दो चीजों के लिए, दो यू चीजों के लिए हम अमंग नहीं, हमेशा हम बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन ब्रदर्स, दो चीजों के लिए हमेशा बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए अमंग, ठीक है। शी वॉज एंग्री, बस मैं यहीं रुक गया, क्यों रुक गए सर, यार एंग्री के साथ अगर पर्सन हो ना, पर्सन, तो एंग्री के साथ विद का यूज होता है, और अगर एंग्री के बाद कोई भी चीज की बात हो रही हो, कोई भी थिंग की बात हो रही हो, तो एंग्री के साथ एट आता है, तो एंग्री विद मी, एंग्री विद मी, ठीक है। शी वॉज एंग्री विद मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी। शी गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट। वर्दी के साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है ऑफ, लिख लेना, नोट कर लो, देखो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिक्स प्रपोजिशन, आप लोग समझ रहे हो कि कितनी जरूरत है फिक्स प्रपोजिशन की, ठीक है ना, कितनी ज्यादा जरूरत है। अब देखते हैं आगे हमारा कौन सा आ गया, ये बच्चे हैं ये देखते हैं हम, 26। ही डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, ठीक है। डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने बाद और ये प्रपोजिशन नहीं लेगी, सीधा ऑब्जेक्ट लेगी। ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट। माई फादर डील्स विद, डील के साथ ऑफ आता है, डील के साथ इन आता है, कब आता है, जब बिजनेस की बात हो रही है, तो विद नहीं इन आएगा, डील इन का। आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे डील के साथ आप लगा सकते हो ऑफ, या डील के साथ लगा सकते हो विद, बस इन नहीं लगाओगे, ठीक है ना, क्योंकि किसी पर्सन की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कोई आपका बिजनेस की बात नहीं हो रही, बिजनेस के लिए डील इन, ट्रेड के लिए। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, पता है आप लोगों को, इंस्पाइट ऑफ हो सकता है, अगर या तो डिस्पाइट ऑफ हटा दो या फिर डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट कर दो, इंस्पाइट और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ, मैरिड के साथ मेरे भाई कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, लोग बोलेंगे टू आता है, विद आता, कोई नहीं आता, ध्यान रखना, सीधा लिखो अशोक मैरिड रेखा लास्ट मंथ, बात खत्म, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो 32 कर लेते हैं। द अर्थ एटमोस्फेयर कंप्राइजेस, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, इसलिए कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। द कोर्ट हेल्ड द लोकल एमएलए रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, लॉस के बाद हमेशा ऑफ लगाओ, डैमेज के बाद हमेशा टू लगाओ, तो क्या हो जाएगा, फॉर द लॉस ऑफ आएगा। तो ये हमारे फिक्स प्रपोजिशन थे, इन चीजों का आप ध्यान रखना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते एक बार हमारे ग्रामर के बारे में भी आप देखते हुए जाओ, किसी भी बुक की एक्सरसाइज करानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप आईओएस वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया आईओएस वालों के लिए, तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, DSSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्जाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से
60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस एड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है, वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो इस 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है, बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोज आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे, इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करे, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वो कैप का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे ही प्रॉपर क्लासेस होंगी, जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटेक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।